नमस्कार। भारत की सियासत में केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो इस देश के वोटर की नब्ज समझते हैं। वोटर को औकात अनुसार खर्चा देते रहो, कोई फ्री पानी में बिकेगा, कोई फ्री बिजली में बिकेगा, मीडिया विज्ञापन में बिकेगा, कानून अराजकता से डरेगा, बाकी कुछ तो बकचोदी में ही बह जाएंगे। यहां तक कि न्यायकर्ताओं को भी दिल्ली के बाहर का भारत नहीं दिख रहा है। एक ऐसे आदमी के लिए पक्षपात कर न्यायतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसने अपने दो बार के कार्यकाल के दौरान एक भी ऑक्सीजन प्लांट कहीं नहीं लगाया, नहीं ऑक्सीजन के लिए किसी तरह के ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। 1000 मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपने ऊपर प्रचार के लिए मीडिया को 1400 करोड़ बांट दिए। इस महामारी में उनके झूठ पर झूठ ने दिल्ली को दहला कर रख दिया है। जिस ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचाए उनका मंत्री इमरान हुसैन उसकी कालाबाजारी करते रंगे हाथ धराया। ऑक्सीजन बर्बाद की जा रही है जिससे मौतें हो और दोष मोदी जी को दिया जा सके। उधर उसके कई नेता विधायक दिल्ली के लिए आवंटित दवाइयां व ऑक्सीजन पंजाब में बांटते हुए दिख रहे। स्वघोषणा अनुसार केजरीवाल दिल्ली के मालिक हैं, इसलिए दिल्ली को मौत की राजधानी बना रहे। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में हो रही मौतों के लिए मोदी को बदनाम करने का बड़ा खेल चल रहा है। यह महामारी राष्ट्र पर आपदा है, ना कि देश के किसी पक्ष और विपक्ष पर। लेकिन विपक्ष महामारी को लेकर सिर्फ भाजपा विरोध तक सीमित है, जबकि देश पर यह आपदा या तो प्राकृतिक है या किसी जैविक युद्ध का हिस्सा है। इसकी भयानकता कुछ सरकार की उदासीनता और हमारी लापरवाही का नतीजा है। जब जमीन पर संपूर्ण विपक्ष का वजूद ही नहीं रह गया तो ट्वीट करके क्रांति ला पाने की कोशिश बचकाना है। देश का विपक्ष अगर इस कदर नकाराना होता तो आज यह नौबत नहीं आती। आज भी विपक्षी नेता काल्पनिक आरोप, जाति, आरक्षण, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, निजी लाभ, कालाबाजारी से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पा रहे। सत्ता लोभ में मोदी विरोध की पराकाष्ठा पार कर देश विरोधी होने में भी गुरेज न कर पाने वाला विपक्ष खुद अपने आप को खत्म कर रहा है। भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों व सेक्युलरों का वर्ग मोदी को लेकर हमेशा पक्षपाती रहा है। मोदी विरोधियों को इसलिए ही गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि वे अपना गिरेबान नहीं जागते। ममता की रैलियों में आई भीड़ सही थी और मोदी की सभाओं में जमा लोग गलत थे। रमजान की नमाजी भीड़ पर मुस्कुराते हो और कुंभ की भीड़ पर बिलबिलाते हो। बंगाल की प्रायोजित हिंसा व बलात्कार पर खामोश रहते हो, लेकिन हाथरस पर नंगे होकर नाचते हो। किसी घटना के विश्लेषण का आधार इतना घटिया व बायस्ड होता है कि ऐसे विपक्षी आरोपों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। महामारी का तो इलाज है, उससे कम लोग मरते हैं। महामारी के डर से अधिक लोग मरते हैं। बस वही भय कुछ लिब्रांडू गिरोह द्वारा पैदा किया जा रहा है। देश के न्यायालयों को सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार को लताड़ नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उन दो दो कौड़ी के पत्रकारों व मीडिया हाउस को भी लगानी चाहिए जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनकर देश में महामारी, लॉकडाउन, वैक्सीन और दवाइयों के प्रति भ्रम फैला रहे हैं और अपने साथी नेताओं को बचाने के लिए सिर्फ मोदी को घेरने का एजेंडा चला रहे हैं। इस महामारी में भी विपक्ष द्वारा मोदी के विरुद्ध माहौल बनाने की सियासत चल रही है, उसमें बड़ा हाथ मीडिया का भी है। मोदी ने लिबरल मीडिया को फ्री की रोटी बोटी नहीं दी, ना ही कोई मीडिया मैनेजमेंट किया, तो रोज बदनामी के नए नए नरेशन को अस्त्र बनाकर मासूम जनता को छला जा रहा है और विपक्ष ऐसा दम भर रहा है जैसे उसने मोदी को हरा दिया। किसी का जीवन छीनकर राजनीति करना नराधमों के लिए कभी भी संभव है, लेकिन फिक्र इसलिए नहीं है कि हिंदू धर्म में तो एक चींटी और मच्छर तक को मारने की सजा है। सब कर्मों के फल सामने आएंगे क्योंकि सनातनी की एक एक हाय की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। महामारी में विपक्ष में गलत आरोपों व भड़काऊ बयानों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बताया कि हमने हर राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे आवंटित किए। जब समस्या हुई तब प्रयास कर राज्यों को ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा भी दी, रेमडेसिविर भी दी, लेकिन लोगों को अब भी अस्पतालों में ये सब नहीं मिल रहा है। सवाल खड़ा हुआ कि फिर ये सब कहां जा रहा है। शक तो उसी दिन शुरू हो जाना चाहिए था जब युवा कांग्रेस के श्रीनिवास लोगों को धड़ाधड़ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर उपलब्ध करा रहे थे और सामान्य जनता यही चीजें अस्पतालों में खोज खोज कर परेशान हो रही थी। इस आपदा काल में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर आदि का बहुत बड़ा खेल चल रहा है।
पर अब लगता है कि यह गुब्बारा भी फट चुका है। कैसे प्रभावशाली रसूदखोर लोगों ने सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक कर लिया है और सिलेक्टेड लोगों को बांटकर वाहवाही लूट रहे हैं। ये सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध होते तो कितने लोगों को यूं मदद के लिए तरसना या भटकना नहीं पड़ता। दिल्ली में एक और ऑक्सीजन की कमी से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के तार लोधी रोड से खान मार्केट होते हुए अब लंदन तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट वाले नवनीत कालरा से लेकर लंदन में मैट्रिक्स कंपनी के मालिक गगन दुग्गल तक एक के बाद एक दूसरे चेहरे बेपर्दा हो रहे हैं। मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस कंपनी के CEO गौरव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर ऑक्सीजन सिलेंडरों के जमाखोरों के तलाश में केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन की ऑक्सीजन की जमाखोरी के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी हो रही है। मगर यह केवल चिंगारी भर है। एटम बम तब फटेगा जब पता चलेगा कि कैसे दम तोड़ते लोगों के मुंह से निवाला छीनकर अधिकतर रसूखदारों और कुछ जरूरतमंदों में बांटकर खुद की मार्केटिंग का यह खेल खेला गया। इस खेल में लुटियन पत्रकार भी शामिल है। यह तय है कि जब बड़ी मछली पर हाथ भी डालने की कोशिश होगी तो नंगई सरेआम शुरू होगी। गजब का आक्रामक नैरेटिव चलेगा उनके पक्ष में और इसकी भूमिका आज से या एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। ये मानकर चलिए कि ऐसा होगा ही, क्योंकि इसकी आहटें उनको मिल गई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन मुझे इस देश के तंत्र व कानून पर पूरा भरोसा है कि किसी अपराधी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जितना सिस्टम पर हमें भरोसा है उतना ही उन्हें भी भरोसा है। देश के हालात भयानक हैं। विपक्षी व उनकी सरकारें खुद दवा ऑक्सीजन बेड की कालाबाजारी करवा रहे हैं और केंद्र को बदनाम कर रही है। भारत सरकार को तुरंत मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देश में अगले 3 महीनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए। जय हिंद।